Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. Substation equipment testing series में आज हम देखेंगे transformer insulation resistance test. Substation equipment testing series में CT का testing किस तरह से होता है? उसके लिए हमने video बना के रखे हैं, जिसके link description box में दे रखी है. Kindly विजिट करें. और ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग किस तरह से होता है तो उसके लिए भी वीडियोस बना के रखे हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप विजिट करें और सीखें. ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लो वोल्टेज टेस्टिंग क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आज हम हायर वैल्यू ट्रांसफॉर्मर की कैसे लेते हैं वो देखेंगे, और बाकी के सभी वीडियोस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं. उसके लिए जरूरी है कि हमें जानना चाहिए कि आईआर वैल्यू क्या है, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, और उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे. आज हम ये दोनों चीज देखेंगे. इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है वो जानते हैं. तो यहाँ पे जो सेंटर में दिया गया है वो कुछ भी करंट कैरिंग मीडियम है. वो एक कंडक्टर हो सकता है, वो कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है कि जिसमें से करंट पास हो, और वहाँ पे कुछ वोल्टेज है. सही है. अभी इंसुलेशन हमेशा अर्थ के साथ रहता है, यानी कि अर्थ और इसके बीच में जो भी चीज़ है वो हमें इंसुलेशन उसको बोलते हैं. वो इंसुलेशन क्या क्या हो सकता है, तो वो इंसुलेशन एयर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पोर्सेलिन हो सकता है, सिलिकॉन रबर हो सकता है, एसेप्सिक्स हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, फाइबर हो सकता है, या वैक्यूम हो सकता है. सही है ना. तो इसमें से कोई भी इंसुलेशन हो सकता है. अभी क्या होता है कि करंट कैरिंग जो मीडियम होता है वो और अर्थ के बीच में इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि ये करंट डायरेक्ट अर्थ ना हो जाए. तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलेंगे. सही है. अभी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे जो करंट कैरिंग मीडियम है उसमें कितना वोल्टेज पास हो रहा है. अगर वो 2 वोल्ट पास हो रहा है तो एयर काफी है, उससे ज्यादा हो रहा है तो कुछ और मीडियम होना चाहिए. और दूसरा है कि अर्थ के साथ डिस्टेंस कितना है वो भी जरूरी है. ठीक है. चलिए एक इक्विपमेंट में देखते हैं कि ये जो अर्थ के साथ जो इंसुलेशन है वो किस तरह से काम करता है. देखिए यहाँ पे एक सीटी है और एक ब्रेकर है, राइट. तो जो सीटी है उसमें यहाँ से करंट पास हो रहा है, यहाँ में नीचे आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है. तो यहाँ पे कौन कौन से इंसुलेशन है वो देखते हैं. पहले तो यहाँ पे एयर इंसुलेशन है अर्थ के साथ. सही है. दूसरा सीटी में ऑयल भरा होगा तो ऑयल इंसुलेशन है. तीसरा जो सीटी के अंदर कंडक्टर है उसके ऊपर पेपर भी होगा तो वो भी एक इंसुलेशन है. सही है. और जो अर्थ है वो क्या है, तो सीटी का जो बॉडी है वो अर्थ है. तो यहाँ पे बॉडी और कंडक्टर के बीच में हमारा पेपर है और ऑयल है, तो उसका जो इंसुलेशन है उसकी रेजिस्टेंस की बात यहाँ पे हो रही है. सही है. यहाँ पे अगर हम ब्रेकर की बात करें तो ब्रेकर में क्या होता है कि ब्रेकर में करंट यहाँ से यहाँ तक पास होता है. सही है. यहाँ पे हमारा इंटरप्टर होता है. तो यहाँ पे इंसुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये पोर्सेलिन है, तो पोर्सेलिन एक इंसुलेशन है और वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. तो सबसे पहला इंसुलेशन कहाँ है, यहाँ पे ये हाई वोल्टेज आ रहा है, करंट कैरिंग पाथ है, उसके और अर्थ के बीच में, यानी कि ये अर्थ यहाँ तक है. तो ये एक इंसुलेशन हो गया, वो कितना है वो मेजर करना है. दूसरा क्या है, यहाँ टॉप, अगर ये ब्रेकर ऑफ है
तो यहां तक पावर रहेगा, यानी कि यहां तक कुछ वोल्टेज रहेगा, तो वो वोल्टेज और अर्थ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो दूसरी बात है। और तीसरा, तीसरे में क्या है कि ये जो है हमारा ब्रेकर, तो ब्रेकर जब ऑफ रहेगा तब यहाँ पे अंदर SF6 भरा हुआ होगा, और ये जो दोनों है वो कांटेक्ट है जो कि ब्रेकर ऑन होने से कनेक्ट होंगे। लेकिन जब ब्रेकर ऑफ रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज होगा और यहाँ पे नीचे वोल्टेज नहीं होगा। तो उसके बीच में भी एक इंसुलेशन है, वो क्या है, SF6 गैस इंसुलेशन है, ठीक है। तो वहां पे भी हमें एक वैल्यू लेनी चाहिए जो कि यहाँ पे अपर पार्ट और बॉटम पार्ट में के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो। तो इस तरह से हमें ये इंसुलेशन अलग-अलग प्रकार से जब कहीं भी जाओ तो वहां पे देखने को मिलेंगे। इस तरह से सारे इंसुलेशंस होते हैं। आज हम ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली हमने देखा है कि जो नॉर्मल यूज में ट्रांसफार्मर होते हैं वो ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं, और जनरली वो इस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार एंड ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उसमें किस तरह से आयर वैल्यू ली जाती है वो देखते हैं। देखिए ये ट्रांसफार्मर है हमारा, और यहाँ पे एच वी बुशिंग है और ये एल वी बुशिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर डायग्राम दिखाया है और वाइंडिंग की पोजीशन दिखाई है। तो यहाँ पे ये जो है वो डेल्टा वायरिंग वाइंडिंग है, और ये जो है वो स्टार वाइंडिंग है, ठीक है। इसकी अगर आयर वैल्यू लेंगे तो किस तरह से लेंगे, तो ये जो है वो हमारा ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है ऐसा समझ सकते हैं, और वो अर्थ है, ओके। तो वैल्यू कैसे लेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू लेंगे जो हमारा एक तरफ का वाइंडिंग है, इसको हम एच वी वाइंडिंग बोलेंगे, तो एच वी वाइंडिंग टू अर्थ, ठीक है। दूसरी जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे एल वी, एल वी वाइंडिंग टू अर्थ, ठीक है। और जो तीसरी वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम एच वी टू एल वी। तो ये तीन वैल्यूज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में आयर वैल्यू आती है, जिसका हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है तो भी सेम रहेगा कि एच वी टू अर्थ, एल वी टू अर्थ एंड एच वी टू एल वी। और यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर हम जानते हैं कि वो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें एक ही वैल्यू आएगी कि जो वाइंडिंग टू अर्थ, ठीक है। तो उसमें इस तरह से कोई भी बुशिंग पे आप कनेक्शन दे दो और अर्थ में कनेक्शन दे दो तो वो पूरी वाइंडिंग आ जाएगी पिक्चर में, और पूरी वाइंडिंग टू अर्थ जो इंसुलेशन है वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर इंसुलेशन किस तरह से मेजर किया जाता है वो है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक मैगर चाहिए होगा और मैगर के कॉर्ड्स चाहिए होंगे, और हमारा जो इक्विपमेंट अंडर टेस्ट है यानी कि ट्रांसफार्मर, तो ये तीन होगा तो हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ले पाएंगे। यहाँ पे हमने डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस तरह से उसकी वैल्यू लेते हैं वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो कनेक्शन करेंगे, जो हमारी रेड लीड है उसको हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर की एच वी में, यानी कि एच वी, और जो ब्लैक लीड है वो हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर के बॉडी अर्थ में, यानी कि हमारा एच वी टू अर्थ का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं, मेगर को शुरू करेंगे, तो मेगर को हम 5 kV तक लेके आएंगे,
मेगा स्टार्ट हो जाएगा। अभी ट्रांसफार्मर में जो वैल्यू लेनी होती है वो हमें दो टाइप की वैल्यू लेनी होती है, यानी कि टाइम बेस है, एक एक मिनट की वैल्यू लेंगे और एक 10 मिनट की वैल्यू लेंगे। तो क्या होगा कि उससे हमें पीआई मिलेगी, यानी कि पोलराइजेशन इंडेक्स। तो वो पीआई वैल्यू के ऊपर ट्रांसफार्मर की हेल्दीनेस पता चलती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट बटन दबाएंगे और वैल्यू आना मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मेजरमेंट आया है वो है हमारा 2.26 गीगा ओम, एक मिनट का वैल्यू है। अभी 10 मिनट तक इसको चालू रखेंगे और वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे आई है 4.02 गीगा ओम। देखिए यहाँ पे 10 मिनट का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी हम मेगर को ऑफ कर देंगे और अभी हमें कनेक्शन वैल्यू लेना है जो कि है LV टू अर्थ। तो हम कनेक्शन को LV की ओर लगाएंगे और फिर से हम जो हमारा इंसुलेशन टेस्टर है उसको 5 kV पे लेके ये ऑन हो जाएगा। और अभी हम स्टार्ट बटन दबाएंगे और एक मिनट का वैल्यू लेंगे। तो हमने स्टार्ट बटन दबाया और जो एक मिनट का वैल्यू है वो 2.27 आया है। ठीक है, अभी फिर से हम मेगर को आगे चलने देंगे और 10 मिनट का वैल्यू लेंगे। तो देखिए 10 मिनट का वैल्यू जो आया यहाँ पे 4.20 आ रहा है। ठीक है, अभी हम मेगर को बंद कर देंगे और अभी हमें जो वैल्यू चाहिए वो है HV टू LV। तो हम कनेक्शन को HV पे लेके जाएंगे और जो अर्थ वाला कनेक्शन है उसको हम LV पे लगा देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया HV टू LV। अभी हम फिर से मेगर को ऑन करेंगे, 5 kV पे लेके जाएंगे और फिर हम टेस्ट बटन दबाएंगे और टेस्ट बटन दबाने से जो वैल्यू आएगी वो HV टू LV वैल्यू रहेगी। एक मिनट की वैल्यू क्या है तो 3.63 गीगा ओम है। ठीक है, मेगर को 10 मिनट तक चालू रखेंगे और 10 मिनट के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 7.18 गीगा ओम, जो कि 10 मिनट की वैल्यू है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हमने जाना कि ट्रांसफार्मर की जो आयर वैल्यू लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं और कौन सा ट्रांसफार्मर होता है तो किस तरह से लेनी चाहिए और कौन कौन सी वैल्यू आती है। यहाँ पे दिया गया है कि डेल्टा स्टार और स्टार स्टार ट्रांसफार्मर होता है, डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो उसकी जो वैल्यू है वो HV टू अर्थ, LV टू अर्थ एंड HV LV लेनी है। और अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसकी एक ही वैल्यू आएगी HV टू अर्थ। जो रिकॉर्डिंग टेबल बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि कौन सा कनेक्शन है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया, एक मिनट का वैल्यू, 10 मिनट का वैल्यू जो कि गीगा ओम में है और उसकी पीआई।
यानी कि पोलराइजेशन इंडेक्स कितना है और रिजल्ट ओके है कि नहीं। यहाँ पे जरूरी है कि जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है उसकी वैल्यू यहाँ पे लेनी चाहिए कि कितने टेम्परेचर में ओटीआई था, डब्ल्यूटीआई था और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था, तो उसके हिसाब से आयर वैल्यू जो होती है वो वेरी होती है, तो इसीलिए ये रिकॉर्ड भी हमें रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर की जो आयर वैल्यू लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आएंगे ट्रांसफार्मर का, और देखते रहिए इनसाइड टेक्स, और इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट। थैंक यू।